हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जब आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल अच्छा चल रहा था उस समय को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अभी उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी है कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। हो सकता है अभी सेपरेशन हो चुका है तो ये इंसान अब आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। देखिए, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपको लेकर और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ बहुत कुछ वो शेयर करना चाहते हैं। और ऐसा है गाइस कि जो क्लियरिटी आप इनसे चाहते थे, जो कुछ इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया तो उसके बारे में आप जानना चाहते थे कि क्यों इस इंसान ने आपको हर्ट किया, क्यों वो चीट करके गए, तो वो क्लियरिटी अब आपको देना चाहते हैं, ऐसा भी है। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और इनके बच्चे भी हैं, तो ये इंसान इसी वजह से आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले पाते, आपके लिए कोई एक्शन वो इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टक हैं। और वो ये समझते हैं कि आप ये बात नहीं समझते हो कि वो मजबूर हैं, कि वो फंसे हुए हैं, आप ये नहीं समझते और आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ जाए, तो इनके लिए अभी ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा ही आपको बताना भी चाहते हैं। और आपके जो पर्सन है गाइस, ये इमेच्योर दिखाई देते हैं, बच्चों वाली हरकत इनकी आदत है करने की। और वैसे भी इस इंसान में बचपना दिखाई देता है, भले इनकी एज जो भी हो, पर ये इतने मेच्योर नहीं है जितने आप हैं। इस वजह से ये इंसान बिना सोचे समझे कोई भी फैसला कर लेते हैं। और पास्ट में भी ऐसा ही हुआ, ये इंसान बिना सोचे समझे आपकी लाइफ से चले गए और आप पछता रहे हैं। ठीक है, तो जब ये कोई भी कदम उठाना होता है उसके पहले ये इंसान सोचता नहीं है, और जब कुछ बुरा होने लगता है या गलत होता है इनके साथ तब इनको समझ में आता है। वही अभी भी हुआ है, बिना सोचे समझे आपसे अलग हो गए और अब सोचते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। और जिस तरह आपने मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभाया, इस रिश्ते को आप आगे तक लेकर गए, वैसा इस इंसान ने नहीं किया। क्योंकि इमैच्योर ये दिखाई देते हैं, भले ही जो भी इनकी एज होगी, पर बच्चों वाली हरकत है इस इंसान की। इस वजह से ये रिश्ते को संभाल भी नहीं पाए, आप अकेले ही सब कुछ करते रहे, लेकिन इनको ये नहीं लगा कि इनका भी सहयोग जरूरी है। और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज ये रिश्ता खराब हुआ है। और इस इंसान का ये है गाइस कि स्टेप लेने से पहले भी ये नहीं सोचते और जो करना है बस कर लिया, आगे का ये नहीं सोचते कि आगे जाकर क्या होगा। और वैसे ही इनके बोलने का भी तरीका है कि जो मन में आया आपको बोल दिया, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, आपको कब बुरा लगता है, इस सब से इस इंसान को मतलब नहीं रहा है। और इस वजह से आप हर्ट भी होते थे लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए सब कुछ सहते थे, कॉम्प्रोमाइज़ आप करते थे। पर यह इंसान ऐसे ही है, इमैच्योर। और अभी भले ही यह इंसान अपनी फैमिली में स्टक है या कहीं भी, जहाँ भी अभी स्टक हैं, वहाँ ऐसा है गाइस कि 24 घंटे आपको याद करते हैं, 24/7 आप इनके दिमाग में चलते हैं और बहुत ज़्यादा ये यही सोचते हैं कि किस तरह आपकी तरफ बढ़ा जाए और कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस लाया जाए। भले ही चाहे जितना भी बिजी है ये इंसान, क्योंकि काम में भी ये बिजी हैं और अपने परिवार के साथ भी ये बिजी हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा है गाइस कि ये इंसान खुद डर रहा है। देखिए क्या हुआ है कि आपने भी ऐसा नहीं कि कॉल मैसेज करके नहीं इनको किया कि या इन अपनी तरफ से कोई प्रयास आपने नहीं किया, ऐसा नहीं है, आपने बहुत कुछ किया। लेकिन इस इंसान का क्या था ना, वही था कि इनको समझ में आ गया था कि आप इनके अलावा किसी के बारे में ना सोचते, ना आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते, आप घूम फिर कर इसी इंसान के पास आओगे, ये तो इनको पक्का पता था। इस वजह से ये इंसान क्या कर रहे थे, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई ना देना और आपको इग्नोर करना, और बिल्कुल ऐसा बिहेवियर कि जैसे आपको जानते ही नहीं। अब आपने जब वैसा ही किया है, अब आपने बिल्कुल अपनी तरफ से कोई प्रयास ही नहीं कर रहे, बिल्कुल इनको छोड़ ही दिया कह दीजिए, तो अब ये इंसान का ऐसा है कि डरते भी हैं ये
क्योंकि अब आपका कोई कॉल मैसेज उनके पास जाना नहीं है, आप अपनी तरफ से कोई प्रयास कर आपको करना नहीं है। तो अब ये इंसान को समझ में आ रहा है कि आप भी इन्हीं की तरह इनको ट्रीट कर रहे हो, जैसा इन्होंने आपके साथ किया था अब आप इनके साथ ऐसा ही कर रहे हो। तो अब इस इंसान में ये हो गया है कि ये घबराते भी हैं कि आप इनको हमेशा के लिए शायद छोड़कर चले गए हो या चले जाओगे, ये इनको लगता है। जब तक आप इनके पीछे भाग रहे थे तब तक तो ये बिल्कुल निश्चिंत थे, लेकिन अब जब आपने दूरी बनाई ना, तो अब ये इंसान इसको समझ में आ रहा है कि ये जैसा आपके साथ किए थे अब वैसा ही आप भी शायद इनके साथ कर रहे हो, या आपको कोई और मिल गया है, ये भी इस इंसान को लगता है। और आपके पर्सन का दिमाग उन्हें कहता है कि नहीं, उन्हें पैसा कमाना चाहिए अभी, उनको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए और आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, ये उनका दिमाग कहता है। लेकिन वह इंसान क्या होते हैं, आपके बिना इमोशनल भी होते हैं। तो दिल कहता है कि नहीं, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपसे कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए, एक बार जान लेना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो यह इंसान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी है, और जो ये आपका रवैया अभी बदल गया है ना, आप बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो उससे ही इंसान आपके बारे में सोचने को भी मजबूर है। पहले तो निश्चिंत थे तो इनको लगता था कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, और अब ऐसा हो गया है कि खुद ही डरते हैं कि शायद आपने पूरी तरह इनका साथ छोड़ ही दिया है, अब आप इनकी तरफ बढ़ने वाले नहीं हो। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि शायद अब आपका प्यार इनके लिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और आप इनसे बोर हो चुके हो, इस वजह से ऐसा व्यवहार इनके साथ कर रहे हो कि आप इन पर फोकस ना करके आप थर्ड पार्टी और दूसरे लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हो और उनको छोड़ने के बारे में कहते हो। तो ये इन्हें लगता है कि आप इनसे बोर हो चुके हो, और इन्हें ये भी लगता है गाइस कि अब अगर ये अब आपकी तरफ बढ़ते हैं तो फिर से वही बात आएगी कि आप कमिटमेंट मांगोगे और इनका साथ चाहोगे फ्यूचर में भी, और ये सब ये कर नहीं सकते, तो इसीलिए इन्हें लगता है कि आपसे दूर रहना ही ठीक है। तो यही सारी बातें इनके दिमाग में चलती रहती है, और इसी वजह से इंसान ऐसा है कि आपको भूल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा ये सोच विचार करते हैं, ओवर थिंकिंग है, इस वजह से ये इंसान आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आप ही के बारे में लगातार सोचते रहते हैं और इनको समझ में तो आ नहीं रहा कि करना क्या है। तो देखिए, वो इंसान प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये इगोइस्टिक हैं, झुकने को तैयार नहीं होते, अपनी गलती नहीं मानते, और दूसरी बात ये है कि ये कहीं ना कहीं स्टक हैं, जहाँ से निकल पाना इनके लिए मुश्किल है, इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते, आपको अप्रोच नहीं कर पाते। तो समझ गए गाइस, तो इस वक्त तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि ये अभी कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते और कंफ्यूज हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, पॉजिटिव रहकर ही इस इंसान को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेंज नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और खुद भी खुश रहिए और उनको भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।